Good evening, students. Today we are here to discuss our new topic, that is the structure of human excretory system. तो आज हम जानेंगे human excretory system के बारे में कि human जो excretory system है वो किन component से मिलकर बना है. तो let's start our new topic, that is human excretory system. अगर हम human excretory system के बारे में बात करें तो उसके जो components हैं वो उन components के बारे में बात करेंगे भाई किन किन घटकों के द्वारा भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा बना है. तो वन बाय वन हम जानेंगे इन सब के बारे में. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, किडनीज. किडनीज की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनीज होती हैं वो कैसी होती है बेटा, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनीज आर देयर. डायग्राम में देख सकते हैं एक लेफ्ट किडनी है, एक हमारे पास एक राइट किडनी है, जोड़ा है, एक पेयर है, एक लेफ्ट किडनी एक हमारी राइट किडनी है. अगर इनकी हम लोकेशन की बात करें, अगर इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे एंटीरियर पोर्शन में जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारे बॉडी के अंदर एक कैविटी है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है. तो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो हमारा है, चेस्ट वाला हिस्सा हमारा ये वाला है, तो ये एंटीरियर हमारा पार्ट है. एंटीरियर पार्ट के अंदर जो ऊपर वाली हमारी थोरेसिक कैविटी है जहाँ पर हमारे रिब्स वगैरह हैं, अंदर लंग्स हैं, इसके नीचे की जो खाली जगह है जहाँ पर हमारे किडनीज प्रेजेंट हैं, इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक हमारी राइट वाली होती है, एक हमारी कौन सी होती है, लेफ्ट किडनी होती है, ठीक है बेटा. बीच वाली अगर बात करें, जैसे आवर मिडल लाइन, जैसे मिडल लाइन से एक तरफ हमारी राइट किडनी है, एक तरफ हमारी कौन सी है, लेफ्ट किडनी है, ठीक है. तो ए पेयर ऑफ किडनीज आर देयर एंटीरियर इन पोजिशन, मिडल लाइन से दोनों तरफ है हमारे प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट की बात करें हम, ठीक है. ए पेयर ऑफ किडनी की बात अगर हम बात करें, इनर साइड हैव कोन कैविटी, अंदर की तरफ अगर हम बात करें, हमारे मिडल लाइन है, मिडल लाइन के अगर इसके अंदर की तरफ बात करें कि हमारी यहाँ पर किडनीज हैं, ठीक है, नीचे की तरफ किडनी है और अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, आपको कॉनकेविटी देखने को मिलती है. कॉनकेव है यहाँ पर, दोनों देख सकते हो आप, यहाँ पर भी कॉनकेव है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी कॉनकेव एरिया है, ठीक है. तो इनर साइड में कॉनकेविटी है मिडल लाइन की तरफ, ठीक है, और बाहर की तरफ हमारा कैसी शेप है, इसकी कॉन्वेक्स शेप है. कैसी है बेटा, कॉन्वेक्स शेप है, दोनों में देख सकते हो आप. इसके ऊपर हम देखें तो हमारे पास कुछ एक ट्रायंगुलर सा सरफेस नजर आ रहा है, कुछ पार्ट नजर आ रहे हैं, इन ट्रायंगुलर पार्ट्स को कहते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड. दोनों ही किडनी पर होते हैं, राइट किडनी पर भी होता है और लेफ्ट किडनी पर भी होता है. इनका फंक्शन होता है हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ये एड्रेनल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ हॉर्मोन्स की जहाँ पर बात करेंगे हम, ठीक है. तो अंदर की तरफ कॉनकेविटी है, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स शेप होती है, किसकी, किडनी की, दोनों किडनी शेप होती है. यहीं से अगर हम बात करें, यहीं से इस कॉनकेव वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं बेटा, इस कॉनकेव वाले हिस्से को कहते हैं, यहां से कहते हैं हाइलस. क्या कहते हैं बेटा, हम इसको हम हाइलस कहते हैं. इसी हाइलस के थ्रू जो हमारी रेनाल वेन है और जो रेनाल आर्टरी है वो दोनों ही इसी, और नेफ्रो अगर यूरेटर्स की भी बात करें, रेनाल आर्टरी रेनाल वेन दोनों के दोनों ही हमारी इसी कॉनकेव वाले हिस्से से हमारी किडनी के अंदर जाती है और किडनी के बाहर आती है, ठीक है. और यहीं से हमारा क्या, अगर यूरेटर्स की बात करें, यहीं से हमारे क्या, यूरेटर्स बाहर आते हैं हमारे. बात समझ में आएगी बेटा यहाँ तक, ठीक है. तो स्ट्रक्चरली बात करें तो ये कॉनकेविटी वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाइलस कहलाता है. यहीं से हमारे इन जो रेनाल वेन है, जो रेनाल आर्टरी है, वो हमारे यहीं से बाहर आती है, यहीं से अंदर जाती है, ठीक है. अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो ये किडनी की बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है बेटा इसकी, 11 सेंटीमीटर होती है. अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ होती है इसकी 5 सेंटीमीटर. अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर. तो 11 × 5 = 3 LWT लेंथ 11 सेंटीमीटर, W मतलब विड्थ 5 सेंटीमीटर, एंड लास्ट वन इज T थिकनेस.
थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्ट्रक्चरली बात करें तो अंदर वाला जो हिस्सा है किडनी का वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। बाहर की एक अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इनर जो लाइनिंग होती है उसे कहते हैं हम रेनाल कैप्सूल होता है अंदर की तरफ। बाहर भाई अंदर की तरफ क्या है भाई, ये अगर देखें तो ये बाहर वाला रेनाल कैप्सूल है, ठीक है। इसके बाहर एक लेयर और होती है, दिस इज द रेनाल कैप्सूल, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर और होती है, वो हमारी होती है एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है बाहर की तरफ, जिसे हम कहते हैं रेनाल मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं उसको